भी काम करने के बाद अगर अपनी बॉडी में वीकनेस फील हो रही है, आप अचानक से उठकर खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आने लगता है, या जल्दी जल्दी अगर आप कोई काम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है, या फिर अगर आप पूरे दिन के काम के बाद जब रेस्ट करने लगते हैं, बेड पर जैसे ही जाते हैं, आपकी बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है, आपको पेन महसूस होने लगता है पूरे शरीर में, आपके हाथों पैरों में, आपकी कमर में, आपके पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा बहुत तीव्र पेन होने लगता है। अगर आप इन सभी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आज मैं आपको इन सबको दूर करने के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन बताऊं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेते हैं, आपको इन सभी तरह की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके साथ इस मेडिसिन का यूज आप और कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। इस मेडिसिन को किस डोज में लेना चाहिए उसे भी आप वीडियो के एंड तक जानेंगे, तो आप मेरे वीडियो में बने रहें। मैं हूँ डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। वीकनेस, एक्जर्शन, बॉडी एक, ये सभी लोग इससे मोस्ट ऑफ पीपल अफेक्ट होते हैं आज की डेट में, और कोरोना के बाद ये कंप्लेन लोगों में बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। जो सिम्टम्स मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए हैं वो अक्सर देखे जाते हैं जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, मीन्स कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एनीमिया। इस एनीमिया की कंडीशन में हमको और क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसमें जो पेशेंट का लुक है वो बहुत ज्यादा येलोनेस दिखेगी, उसके फेस पे पीलापन लगेगा आपको, उसके चेहरे पे, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे, उसके लिप्स पे व्हाइट पार्ट होते हैं वो पीले दिखने लगेंगे, पेलनेस दिखेगी आपको चेहरे पे। इसके साथ पेशेंट को पैल्पिटेशन फील होंगे, मींस को अपनी धड़कन महसूस होगी, उसकी जो हार्ट बीट है वैसा उसे तब लगेगा जब वो या तो कुछ काम करेगा या फिर ड्राइव करेगा, या फिर जरा सा भी वो अगर उठकर खड़े होते हैं, कुछ भी मूवमेंट अचानक से हो रहा है तो भी उनको ऐसे पैल्पिटेशन फील होने लगेंगे। साथ उसे अचानक से चक्कर आएंगे पेशेंट को, उन्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ उनके चारों तरफ जो भी कुछ है वो घूम रहा है, और बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन फील होगा, मींस कि एक एक्सट्रीम लेवल पे उनको थकान महसूस होगी, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, और इतना लो फील करेंगे कि जो डेली के उनके जो डेली रूटीन के काम है उसको करने के लिए भी उन्हें काफी आलस महसूस होगा। आयरन की कमी से पेशेंट को भूख भी कम लगती है, मींस कि उनको अरुचि हो जाती है खाने से। अगर पेशेंट एनीमिक है तो खाने को देखते के साथ ही उसे लगेगा उसका पेट भर गया, किसी भी चीज को, किसी भी फूड में उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, इवन उसकी फेवरेट चीज भी अगर हम उनको देते हैं तो उन्हें खाने का मन नहीं होगा, थोड़ा सा भी खाया और उन्हें ऐसा लगेगा बहुत पेट भर गया, पेट में भी उन्हें भारीपन महसूस होगा, अनकंफर्ट लगेगा। इसके साथ जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जो पेशेंट है वो जब रेस्ट करने जाएंगे तो उनके पैरों में खास तौर से जो पिंडली जिसे हम कहते हैं काफ मसल्स, वहां उन्हें बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा, दर्द इतना होगा कि उन्हें ऐसा फील होगा कि कोई बहुत ज्यादा हार्ड प्रेशर कोई उस पर अप्लाई करे, या फिर वहां खून रुक गया है, इस तरह की फीलिंग भी उन्हें लगेगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो कि आयरन से बनी होती है, इसलिए ये एनीमिया के केस में या शरीर में आयरन या खून की कमी के केस में बहुत अच्छा वर्क प्ले करती है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का 70% आयरन जो होता है वो हमारी ब्लड सेल्स में जो आरबीसीज होते हैं उनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और साथ ही हमारी मसल्स में पाया जाता है मायोग्लोबिन के रूप में। जो हीमोग्लोबिन है वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है, मींस कि हमारे लंग्स, बॉडी, एवरी सेल्स और एवरी टिश्यू पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही होती है। तो अगर उन सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनका वर्क भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, और मसल्स में भी वीकनेस इसीलिए देखने को मिलती है। मेडिसिन का बहुत अच्छा वर्क होता है हमारे ब्लड पे, और इसीलिए हम इसको काफी लंबे समय तक पेशेंट को देते हैं जिनमें खून की कमी देखी जाती है। अब बात आती है कि इसे किस डोज में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसको खाने का क्या तरीका होता है। तो जो फेरोमेट मेडिसिन है इसे आप 3x या 6x पोटेंसी में लेके आए, मैंने में आपको ये जो है टैबलेट के फॉर्म में मिलेगी। मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार लेना है, इसकी 4-4 टैबलेट्स लेना है आपको। डायरेक्ट आप टंग पर भी इसको ले सकते हैं, ये आपके मुंह में घुल जाएगी, या फिर अगर आपको ऐसे खाने में प्रॉब्लम है तो आप आधे कप लिक्विड वाटर लें, हल्का गुनगुना पानी लें और उसमें इन 4 टैबलेट्स को आप डाल दीजिए, ये मेल्ट हो जाएंगी, फिर आप उस पानी को पी लीजिए। ध्यान रहे आधे कप से ज्यादा पानी ना हो। ऐसा आपको दिन में 3 बार लेना है। इसके साथ आपको इस मेडिसिन को कम से कम 2 से 3 महीने तक लेना है। फेरामेट मेडिसिन के साथ आपको एक और जो मेडिसिन लेनी है वो है SBL की फेरम सिप सिरप।
इसको आपको लेना है सुबह 1 से 2 चम्मच, शाम को। ये भी आपके जो है खून में आयरन के लेवल को, खून की जो आपकी कमी हो रही है शरीर में, उसको ये पूरा करेगी। तो ये दोनों मेडिसिन आपको लेनी है। मेडिसिन के साथ आपको आयरन रिच डाइट भी लेनी है, जिसमें आप ले सकते हैं टोफू हो गया, चुकंदर हो गया, जिसे हम बीट रूट कहते हैं, अनार है, नट्स हो गए, होल व्हीट सीरियल्स, मीन्स की जो साबुत अनाज होते हैं उन्हें आप जरूर लें अपनी डाइट में। सभी तरह की ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, उसमें आप स्पिनच ले लें और जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ग्रीन, उन सभी को यूज करें। अगर आप इन सभी का कॉम्बिनेशन लेते हैं डाइट और दोनों मेडिसिन का, तो बहुत जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे, आपका जो HB लेवल है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा और आप एनीमिया की कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। इसके साथ आप मुझे ये भी बताएं कि आप किस टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। और आप अगर नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हूँ, उनकी मेडिसिन बताती हूँ और साथ में डाइट पार्ट को भी मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको पूरे तरीके से एक कंप्लीट ट्रीटमेंट मिल सके। आप सभी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।